एक बार की एक घटना है, वो सुनानी तो नहीं चाहिए मंच से, एक एक घटना सुना रहे हैं। जब हम कथा नहीं करते थे तो एक बार पिताजी के साथ अमेरिका गए, तो वहां एक जगह कथा हुई पिताजी की, तो वहां हमारे साथ एक ब्रजवासी वाद्य बजाने वाले भी थे, तो जिनके घर जिनके यहां हम रुके थे उन्होंने इतना परेशान कर दिया। तो वहां हमारे साथ एक ब्रजवासी वाद्य बजाने वाले भी थे, तो जिनके घर जिनके यहां हम रुके थे उन्होंने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया महाराज, क्या बताएं। अब विदेशी लोग, उनने 7 दिन की रोटी एक ही दिन में बना दी और सब फ्रिज में रख दें, हमसे बोले यहीं से निकालो गरम करो खा जाओ। अब तो बढ़िया हो गया वहां पर भी, अब भी वैष्णव बहुत सारे हो गए अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब जगह, अब इतनी दिक्कत नहीं होती। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 2015 में हमने कथा करना शुरू किया, उससे भी करीब 5-6 साल पहले की बात। तो पहले दिन ही हम लोग पहुंचे तो रोटी महाराज माइक्रोवेव में गरम कर करके आ रही थी, और रोटी भी कैसे, सब्जी अलग नहीं थी, रोटी के बीच में ही सब्जी थी, रोल बना करके वही परोस रहे थे। तो अब वो गरम कर करके दे में, हम लोग कहीं और से कथा करके वहीं अमेरिका में से कहीं से आए थे, अब जैसे पहुंचे महाराज वो गरम कर करके दे, तो पहले तो खाए तो बड़ा अजीब सा स्वाद लगा, फिर वो बोल के गए, बोले अब हम कल से तो हम लोग वयोवृद्ध हैं, आप खुद ही इसमें गरम कर करके पा लेना। दूध भी लाते तो उसमें पानी भर के धर देते, ज्यादा दूध नहीं पी जाएं। रात में हम लोग सोने जाते एसी बंद कर देते, अब पसीना में नहा रहे हैं भैया, वहां पर पंखे होते नहीं एसी होता है, इतने परेशान कर दे। और भी बहुत कुछ हुआ सब थोड़ी बताएंगे। वहां पर क्या होता है कि अंदर ही गीजर होते हैं, वहां ठंडे पानी से तो नहाने का कोई 12 महीना गर्म से ही नहाओ, ठंड रहता है थोड़ी सी, गीजर बंद कर देते, बेचारे नहाते नहाते चिल्ड पानी आता ठिठर जाते। तो हम और पिताजी तो ठीक थे, पिताजी की तो हम लोग सेवा करते थे, व्यवस्था कर दी थी बढ़िया, और शहर का नाम लूंगा तो वो पहचान जाएंगे, इसलिए मैं शहर का नाम भी नहीं बता रहा। तो वो तबला वाले जो भैया गए थे हमारे संग ब्रजवास, वो बड़े परेशान हो गए। अंतिम दिन क्या हुआ, सबका सम्मान किया जा रहा था, ब्यास जी का किया, हम पिताजी के संग गाने पे गए थे तो हम कोरस वाले, हमारा भी सम्मान हुआ, और सबको सम्मान के बाद 2 शब्द बोलने माइक पे, पिताजी भी बोले, पिताजी तो बोल ही रहे थे कथा कर रहे थे, हमको हमारा सम्मान, हमने भी मैं बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया, सब बहुत बढ़िया रहा, ये बोले जाना तो है, जब आई उनकी बारी। तो वो मंच पे आए फिर उनका सम्मान वम्मान हो गया, तो बोले जो जिनके आम रुके थे उनका नाम लेके बोले, आपको तो हम चाहेंगे कि आप वृंदावन आओ। तो वो नीचे से बोले, वृंदावन में हमको संतों से मिलवाओ, वहां सबकी पन्हैया खपवाएंगे तुमको। तो जैसे अभी आपने ताली बजाई ऐसे सबने ताली बजाई, वाह वाह इनको पन्हैया मिलेंगी। अब हम और पिताजी तो एक दूसरे को देखें, तो वो उनसे उन्होंने ही बोला पन्हैया का मतलब जानते, बोले नहीं नहीं नहीं, बोल पन्हैया रोटी होती है, एक विचित्र प्रकार की रोटी। आपको बोले दो दो दिलवाना, दो दो, बोले हाँ दो दो ही दिलवाएंगे तुम। ऐसी अद्भुत लीला। तो श्री व्यास जी कह रहे, व्यास जो वृंदावन तज भटकत तासिर पनही ठोक, मतलब वृंदावन छोड़ के अन्य जगह सुख की कामना कर रहा है, सुख खोज रहा है, बाकी सिर पर तो पनही पड़नी चाहिए। अरे वृंदावन मिल गो, वृंदावन यदि एक बार भी प्रिय लग गया हो, हमारे राधा रमन जी नेक सुंदर लग गए हो, राधा वल्लभ जी में नेक मन लग गए हो, बिहारी जी के मंगला में महाराज बिहारी जी के बंगला में मन झूम गए हो, समझ जाइयो तुम वृंदावन के नेक करीब आ गए, बस अब और कहीं मत जाओ, वृंदावन के ही है जाओ, वृंदावन को भजो, वृंदावन को रटो, वृंदावन में रहो रहो, चाहे कहीं भी, तन में सदा मन में सदा वृंदावन रहे। वृंदावन सदा हृदय में रहे,
हरिराम व्यास जी का एक और पद है, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन भजने वालों को ये पद याद होना चाहिए, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाद में हैं, गले में कंठी माला आ गई, सिर पर उर्दपुंड आ गया, ब्रजरज माथे से लग गई, आपकी जाति क्या है? बोले हम रसिक हैं। कौन है? रसिक। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी श्यामा सानो, कुल देवी श्यामा, कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो, खैरो अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी। देखो इस पद में हमारी पूरी पहचान है, बहुत ध्यान से सुन सब लोग, इधर देखो, कुलदेवी कौन है हमारी? श्री राधा रानी। हमारी खैर कौन लेता है? ब्रजवासी। जे पूछ लें तो हमें लगे कि हाँ हमसे कोई, हमारी सब बात ठीक है। हमारी ठौर कहाँ है? बोले ब्रजवासी हमारी ठौर है, यही हमारे सब, हमारा परिवार है, यही हमारे सब गुरु भाई हैं। और गोत्र गोपाल जने माला, गोत्र गोपाल जने ये जो कंठी जो हमने धारण कर रखी, यही हमारो जने हुए। और गोत्र क्या है आपका? कोई सांडिल्य है, कोई भारद्वाज है, कोई बंसल है, कोई कंसल है, कोई कोई है। वृंदावन में एक बार बस गए और वृंदावन पूर्ण रूपे चढ़ गए, तो गोत्र क्या है? बोले गोपाल हमारा गोत्र है। महाराज ब्रजवासी को तो संकल्प भी यही बात से करना चाहिए। बोले गोत्र क्या है? बोले गोपाल गोत्र उत्पन्नो हम, गोपाल गोत्र। क्यों? ब्रजवासी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, शिखा हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि गुण नाम वेद धुनि। हमारे लिए वेद क्या है? हरि नाम ही हमारे वेद ध्वनि है। और मूज पखावज कुश करता रसिक अनन्य हमारी जाति।
रसिक अनन्य